हाय गाइस, दिस इज विवू और आप मुझे देख रहे हो इंडिया रेस पर। गाइस, आज हम लेके आए हैं महिंद्रा थार का नया इंप्रेशन। हम लोग आज जानेंगे इसके बारे में। और ये जो गाड़ी है वो एक लेजिट गाड़ी है। 75 इयर्स का जो है वो उसका इवोल्यूशन है। 75 सालों बाद ये ऐसी हुई है और बहुत हद तक आपको ये देखने में जो है वो जीप रैंगलर की याद दिलाने वाली है। इनफैक्ट अगर आप इसके साइड में जीप रैंगलर खड़ी कर दो तो वो थोड़ा मस्क्यूलर और लगेगी, ऐसा लगेगा कि स्टेरॉइड्स पे है वो। लेकिन उसकी छोटी बहन इसको जरूर कहा जा सकता है। आज इस वीडियो में बस हम लोग ये जानने वाले हैं कि कैसे इसके लुक्स हैं, कैसे डिज़ाइन है, जो इंजन ऑप्शंस हैं वो, उन सब के बारे में बात करेंगे। स्पेस कैसा है गाड़ी के अंदर, मटेरियल कैसा यूज़ किया गया है, प्लास्टिक क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, फिट एंड फिनिश, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करेंगे और जानेंगे कि ये गाड़ी क्या एक्चुअली प्राइमरी कार बन सकती है कि नहीं। मैं इसका रिव्यू भी लेके आने वाला हूँ, एक टेस्ट ड्राइव इंप्रेशंस भी लेके आना हूँ। सो इन केस यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इंस्टेंट बेल नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पर पहुँचते रहें और सारे अपडेट्स से आप जो है वो वाकिफ रहें। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग चूहों से बड़ा परेशान है, तो मैं उसके लिए एक प्रोडक्ट लेके आया हूँ, कार कैट। मेरे दोस्त ने एक्चुअली ये यूज़ किया है। मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं थी चूहों की, मेरे दोस्त की प्रॉब्लम इसलिए थी क्योंकि वो खेत वगैरह उसके बहुत करीब थे गाड़ी के पास में, तो उसको बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट लगा अपनी गाड़ी में और अक्सर जो है वो उसकी गाड़ी के आसपास चूहे नहीं रहते। तो ये कारकेट नाम का प्रोडक्ट है, अल्ट्रासोनिक रैट रिपेलेंट है जो साउंड वेव जनरेट करता है। साथ ही कुछ चूहे ऐसे भी होते हैं जो सुन नहीं पाते, तो उनके लिए क्या है कि LED स्ट्रोब इसके अंदर यूज़ किया गया है ताकि वो देख सकें अलग अलग कॉम्बिनेशन में, और वो उनको काफ़ी फियर करते हैं। ऐसे में कारकेट आप ट्राई कर सकते हो। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ आपके लिए। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग डिज़ाइन के बारे में इस गाड़ी में बात करेंगे, क्या क्या बदलाव आए हैं। पहली बात तो ये बता दूं, पुराने वाली जनरेशन से कुछ भी पार्ट शेयरिंग नहीं किया गया, थैंक गॉड। नॉट इवन द चेसी, जो चेसी है वो भी अपडेटेड चेसी है। इट इज़ द सेम लेटर ऑन फ्रेम, बस उसको और भी ज़्यादा फॉर्जिंग उसकी बहुत बेहतरीन तरीके से की है, जिससे स्टिफनेस चेसी की और स्ट्रेंथ ये दोनों ही बढ़ी है। हार्डनेस एक्चुअली बढ़ गई है इसकी, लाइट वेट ये हो गई है पुराने वाली जनरेशन की लेटर ऑन फ्रेम से। SUVs मेजरली आप जानते हो कि यार लेटर ऑन फ्रेम के बिना उनका काम चल ही नहीं सकता, बिकॉज दे हैव टू कैरी मच लोड। लेटर ऑन फ्रेम जो है वो ज़्यादा लोड के लिए फेमस रहती है, लोड इन द सेंस कि उनको रफ रोड्स कवर करने होते हैं, उनको रफ टीरेन्स एक्चुअली कवर करने होते हैं। ऐसे में लेटर ऑन फ्रेम्स आर द बेस्ट चेसी टाइप यू कैन एवर हैव ऑन दीज कार्स। मोनोकॉक चेसीज इन पर काम नहीं करती हैं। एनीवे, अब मैं डिज़ाइन की तरफ थोड़ा सा लेके चलता हूँ आपको। यहाँ से अगर आप देखोगे ये स्कूप बहुत बड़ा है, ये स्कूप इन द सेंस कि ये जो हुड है ये बहुत बड़ा है, इसके अंदर कर्व्स आए हुए हैं, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ईजिली इसके ऊपर जो है वो स्क्रैच, अभी एज ऑफ नाउ तो मैं देख रहा हूँ कि स्क्रैच पड़े हुए हैं, बट बहुत अच्छी शाइन, पेंट क्वालिटी, उम्दा पेंट क्वालिटी यहाँ पर इस्तेमाल की है महिंद्रा ने, बहुत अच्छी लग रही है। इवन यहाँ पे हुक्स दिए गए हैं ताकि आप इंजन बे को जो है वो यहाँ से एक्सेस कर सको। मैं खोल के दिखाऊंगा, बट ये जो हुक्स हैं केवल इनको खोल लेने से, पुराने वाली थार में क्या होता था कि आप एक्सेस कर सकते थे, बट ये अभी पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है। जो मैं अगर इस हेडलाइट यूनिट की बात करूं तो ये हेलोजन हेडलाइट यूनिट है। इसके चारों तरफ जो है वो क्रोम की फिनिशिंग यूज़ की गई है, अंदर रिफ्लेक्टर्स भी यूज़ किए गए हैं, यहाँ पर भी हेलोजन फॉग लैंप यूनिट ही यूज़ किया गया। हालांकि ये टॉप वेरिएंट है, LX है, ऑटोमेटिक ट्रिम नहीं है। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये ब्लैक कलर की हाउसिंग के अंदर जो है वो LED DRLs दिए गए हैं। ऊपर वाली यूनिट LED DRL है, नीचे वाली टर्न इंडिकेटर है, सेपरेट यूनिट दी गई है इसको, पुटअप नहीं किया गया हेडलाइट यूनिट के साथ में। ये बहुत अच्छा पार्ट है। महिंद्रा की लोगो जो है वो बिल्कुल बीच में आप देख पा रहे होंगे। N7 स्लैंट आपको यहाँ पर जो है ग्रिल देखने को नजर आएगी। पीछे जो वो नेट यूज़ किया गया ताकि आप इजीली एक्सेस ना कर पाओ वो जो हॉट पोर्शन है इसका, रेडिएटर वाला जो पार्ट है या कंडेंसर वाला पार्ट है। इंटरकूलर और ये कंडेंसर, ये दोनों आप यहीं पर देखने को नज़र आएंगी। थार की बहुत बड़ी सी बैजिंग गाइस यहाँ पर दी गई है, डुअल टोन आप यहाँ पर भी देखोगे, और ये काफ़ी इवन है। थार यहाँ पर लिया गया है लेकिन ये प्लास्टिक यूज़ किया गया है, पुराने वाली थार की तरह जो है वो मेटल यूज़ नहीं किया, बिकॉज इस बार महिंद्रा को पेडेस्ट्रियन सेफ्टी का ध्यान रखना था। हमारे इंडिया के जो नॉर्म्स है वो पेडेस्ट्रियन सेफ्टी के बिना आप किसी भी गाड़ी को जो है वो उतार नहीं सकते। सेफ्टी फिगर्स को ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी को बनाया गया है। एक्चुअली थोड़ा मैं अगर नीचे ले के चलूँ तो 236 mm की ये ग्राउंड क्लियरेंस है, जो सच में तारीफ़ काबिलियत है। और ये पॉसिबल हो पाए इसके सस्पेंशन सेटअप और इसके टायर साइज की वजह से। मैं अभी बताऊंगा कि क्या टायर साइज है, क्या सस्पेंशन है, उससे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। ये स्किड प्लेट काफ़ी अच्छी है गाइस, और इसके अंदर भी नेट का यूज़ किया गया है। यहाँ पर ये पोर्शन भी हालांकि प्लास्टिक का ही यूज़ किया गया है, मुझे लगता है कि इसको मेटल का होना चाहिए था बिकॉज ये ऑफ रोडिंग के लिए बनी है, तो ये मेटल का ना दिया होके यहाँ पर आपका प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। और यहाँ पर टोइंग हुक दिया हुआ है,
नीचे अगर आप चलोगे सस्पेंशन क्लियरली विजिबल है और नीचे कोई प्रोटेक्शन ऐसे नहीं है, लेकिन बार से लगाए हुए हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है कि बार लगाए हुए हैं। इससे काफ़ी स्ट्रेंथ आती रहती है, रिजिडिटी आ जाती है जब रोल ओवर होती है गाड़ी, तो उसमें काफ़ी सहायता एक्चुअल में हो जाती है। और ये बार्स गाड़ी को इनर स्ट्रेंथ भी एक्चुअली देते हैं। एनीवे अब मैं इसका थोड़ा की फॉब आपको दिखा दूंगी किस तरीके की इसकी की फॉब है। ये वही की फॉब है जो महिंद्रा एक्चुअली कन्वेंशनली यूज़ करता है अपने बाकी सब प्रोडक्ट्स में। और तीन बटन इसमें दिए गए हैं, लॉक, अनलॉक और बीच में जो है वो लाइट्स का या फिर हॉर्न का है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो डिज़ाइन दिया गया है, यहाँ पर नर्डलिंग की गई है, महिंद्रा की बैजिंग यहाँ पर, एंड क्रोम फिनिशिंग यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर अगर आप की देखोगे तो यहाँ पर की दी है, फ्लिपेबल ये की है। पैसिव कीलेस एंट्री सैडली इसके अंदर नहीं आती, यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपके पॉकेट में ही की रहे और गाड़ी अनलॉक हो जाए 10 मीटर के अंदर, तो वो फैसिलिटी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। रेडियो फ्रिक्वेंसी वाली जो होती है एक्चुअली वो यहाँ पर नहीं मिलेगी, लेकिन ये मैं आपको अनलॉक करके दिखाता हूँ। तो गाइज़ अगर मैं इसको अनलॉक करूँगा तो आप देखना कि ये जो DRL यूनिट्स हैं वो 3 बार ब्लिंक करेंगे अनलॉक करने पर। और अगर मैं लॉक करता हूँ तो ये टर्न इंडिकेटर, अगर बीच में मैं दबाता हूँ तो ये हूट करने लग जाएगी, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ इसको करना अभी। और चलो अब मैं थोड़ा सा साइड प्रोफाइल पे चलते हो, पहले सस्पेंशन सेटअप्स के बारे में बात कर लेते हैं। कॉइल स्प्रिंग डबल विशबोन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन यहाँ पर यूज़ किया गया है, जो अक्सर आप ऑफ रोडर्स में देखते हो। डबल विशबोन ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, रिजिड होते हैं एक्चुअली, और वो हार्ड बम्प्स को भी ईजिली कवर कर लेते हैं। तो इन दैट केस यू नो यू नीड अ प्रॉपर सस्पेंशन जो ऐसे टीरेन्स पे एक्चुअली चल सके, एंड डबल विशबोन सस्पेंशन आर वन ऑफ देम। वो फ्रंट में यूज़ किया गया है, पीछे लीव स्प्रिंग सस्पेंशन नहीं यूज़ किया गया है, कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन यूज़ किए गए हैं और वो मल्टी लिंक्ड है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, पीछे वाले इंडिपेंडेंट नहीं है। तो अभी साइड प्रोफाइल पे मैं आपको लेके चलता हूँ। तो गाइस अब साइड प्रोफाइल की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे, थोड़ा सा मैं इस तरफ ईजी हो जाऊँ, और यहाँ पर आप देखोगे हार्ड प्लास्टिक का यहाँ पर यूज़ किया गया है, जिसका व्हील आर्च है उसके ऊपर। और व्हील आर्च कमाल का, मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पर सस्पेंशन ट्रेवल, अमेजिंग सस्पेंशन ट्रेवल जो ऑफ रोडिंग में आपको सच में बहुत मदद करने वाला है। सस्पेंशन यूनिट भी आपको यहीं से देखने को नजर आ रही होगी, प्लास्टिक का चारों तरफ यूज किया गया ताकि ये मेटल को एक्चुअली कवर कर ले और मेटल को रस्ट होने से बचाए। अगर मैं टायर की बात करूँ तो टायर प्रोफाइल बहुत बड़ा अमेजिंग 255/65 रेडियल 18 इंचेस का ऑल टीरियन टायर लगा हुआ है, AT टायर लगा हुआ है C8 का। और यहाँ पे अगर आप देखोगे एलॉय व्हील्स जो हैं वो भी काफ़ी अच्छा स्टाइल्ड है, थार की बैजिंग उनके अंदर दी गई है। डिस्क कैलिपर जो है वो, डिस्क ब्रेक कैलिपर जो है वो यहाँ ही से विजिबल है, एंड 303 mm का डिस्क ब्रेक जो है वो वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक फ्रंट में यूज़ किया गया है। बट सस्पेंशन ट्रेवल इज़ अमेजिंग गाइस, मतलब मज़ा आ जाएगा अगर आप देखोगे गाड़ी को, चारों तरफ जो है वो स्पेस बहुत अच्छी दी गई है। यहाँ पर ही टर्न इंडिकेटर आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से इसके अंदर लिया गया है। बट स्टिल अगर आप देखोगे तो इसके अंदर मूवमेंट है, तो फिट एंड फिनिश की कमी अभी भी मैं यहाँ पर कहूँगा। MHawk 130 यानी कि ये 2.2 लीटर का डीजल इंजन है, और MHawk की बैजिंग यहाँ पे आपको एक ईगल शेप्ड नज़र आ रहा होगा, एंड सेंटर एंटीना कह सकते हो आप इसको, ऑफ रोडिंग की वजह से ये जो है वो साइड में लगाया गया है। यहाँ पर जो है वो कन्वेंशनल डोर लॉक्स दिए गए हैं, आप इनके अंदर इवन स्क्रूज देख रहे होंगे ईजिली। और इसी तरीके से महिंद्रा शोकेस एक्चुअली करने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो काफ़ी रफ़ एंड टफ़ है, वो अपील एक्चुअली देने की कोशिश करते हैं। थार की बैजिंग यहाँ पर आपको देखने को नज़र आएगी, यानी भी प्लास्टिक का है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, स्टेपर भी मैं बहुत मजबूत कहूँगा। हालांकि इसमें मूवमेंट कुछ नहीं है, आप इसको ऐसे होता है ना कुछ SUVs जिसके अंदर मूवमेंट होते हैं वो स्टेपर्स अंदर चले जाते हैं, उस तरीके का कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ अगर आप देखोगे तो साइड में भी की होल दिया गया है, छोटे वाले वेरियंट्स होंगे उसके लिए एक्चुअली होगा। क्रोम जो है वो क्रोम का यहाँ पर फिनिशिंग दी गई है, एसेसरी का ये पार्ट है। रेन वाइजर्स एक्चुअली यहाँ पर दिए गए हैं प्लास्टिक के, ये भी एसेसरी का ही पार्ट है। बड़ा सा विंडो एरिया है यहाँ पर भी, अगर आप देखोगे काफ़ी बड़ा सा विंडो एरिया यहाँ पर बी और सी पिलर के बीच में दिया गया है। प्लास्टिक ही इसका टॉप जो है वो, हार्ड टॉप जो है वो प्लास्टिक का ही यूज़ किया गया है। ये भी आप जो है व्हील आर्च देखोगे काफ़ी प्लास्टिक क्वालिटी यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। कट्स यहाँ पर दिए गए हैं, ये काफ़ी अच्छी है। सैड पार्ट ये है कि आप ऑटो फ्यूल लीड नहीं एक्सेस कर सकते और आपको यहीं से इसको खोलना पड़ेगा। और तकरीबन 57 लीटर के आसपास इसकी जो है वो कैपेसिटी है, और अगर एड ब्लू फ्यूल की अगर मैं बात करूं तो ये तकरीबन 20 लीटर की कैपेसिटी है। अब डीजल इंजन में जब से BS6 आए हैं तो ये एड ऑन होना इम्पॉर्टेंट हो गए, क्योंकि इनके बिना
BS6 emissions को आप regulate actually नहीं कर सकते. Although जो यूरिया है ना, जो blue, ad blue है, वो काफ़ी महंगा आता है. अक्सर ये 10,000 से 15,000 किलोमीटर पे चेंज होता है या टॉप अप होता है. यहाँ पर भी आप देखोगे कि सस्पेंशन यूनिट्स कुछ इस तरीके की दी गई है. मड फ्लैप्स फ्रंट के मिसिंग है, बट पीछे के जो है वो ज़रूर यहाँ पर दिए गए हैं. हाँ जी, तो फिलहाल जो है हम लोग आ चुके हैं रियर प्रोफाइल पे. यहाँ पर मैं दिखा दूँ, ये देखो, अगर आप नीचे भी देखोगे ना, तो यहाँ पे पूरा ऑफ रोडिंग स्ट्रक्चर यहाँ बनाया हुआ है. तो यहाँ पर कटे हुए कुछ पेड़ वेड़ है जिसके ऊपर इसको खड़ा कर रखा है. ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, डेमो के हिसाब से काफ़ी सही चीज़ है. यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर भी जो इसका हार्ड टॉप है ना, वो भी प्लास्टिक का ही यूज़ किया गया है गाइस. और यहाँ पर पेंट क्वालिटी में, जैसे आप पहले बता रहा था, वो भी काफ़ी अच्छी है, मजबूती नज़र आ रही है एक्चुअली. ये देखो, ये भी प्लास्टिक काफ़ी हार्ड है. और ये देखो, यहाँ पर LED का यूज़ किया गया है. थार की बैजिंग यहाँ पर दी गई है, काफ़ी सही लग रही है. और यहाँ पर टर्न इंडिकेटर, नीचे रिवर्स पार्किंग है. इसकी टेल लाइट यूनिट जो सच में काफ़ी इंप्रूव हुई है पिछले वाले से. पहले वाली तो एक तो कम्प्लीटली हैलोजन थी, इस बार टेल लाइट यूनिट जो है वो LED भी की गई है और उसको स्मार्टली बनाया भी गया है. डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है. नीचे आप देखोगे केवल 2 ही सेंसर दिए गए हैं, तो यहाँ पर 2 की जगह 4 मेरे ख्याल में आने चाहिए थे. तो ये चीज़ यहाँ पर ज़रूर मिसिंग है. और अगर आप टायर देखोगे, 265 रेडियल 18 इंची का स्पेयर व्हील भी जो है वो अलॉय दिया गया, ये काफ़ी अच्छी बात है. और एक चीज़ और आपको नीचे दिखाऊं, तो रिफ्लेक्टर यूनिट जो है वो यहाँ पर दी गई है. क्रोम की एसेसरियल पार्ट मेरे ख्याल में ये लगाया गया है. चारों तरफ जो है वो टेल लाइट यूनिट के भी क्रोम का पार्ट जो है वो यहाँ पर लगाया गया है. यहाँ से अगर मैं बूट एक्सेस करूँ, तो ये वही हैंडल बार दिया गया है, बट इसको जो है वो वर्टिकली प्लेस किया गया है, ये देखिए. और आप यहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकते हो. तो अगर मैं इसको खोल रहा हूँ, अगर आपको उसको कम्प्लीटली एक्सेस करना है ना बूट को, तो यहाँ से आपको इसको अनहुक करना पड़ेगा, जो यहाँ से एक्चुअली डिस्टर्ब होगा. तो आपको जब तक इसको पूरा नहीं खोलोगे, तब तक ये भी नहीं खुलेगा. और एक बस इसको जर्क चाहिए, कम्प्लीटली ऊपर चला जाएगा. हाइड्रोलिक का यहाँ पर भी यूज़ किया गया है. ये 100 लीटर का ही केवल बूट स्पेस यहाँ पर दिया गया है. मैं शायद यहाँ पर बैठ भी ना पाऊँ, बहुत ही कम बूट स्पेस है यार यहाँ पर. ये चीज़ थोड़ी सी मिसिंग है, लेकिन अगर आप इसको डाल देते हैं, तो ये 600 लीटर का बूट स्पेस में कन्वर्ट हो जाता है. हेडरेस्ट वगैरह जो है वो यहीं से दिख रहे हैं. हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स आपको यहाँ पर देखने को नज़र आ रही होगी. टूल किट वगैरह जो है वो यहाँ पर दी गई है. तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर दी गई है. मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ इसको, और फिलहाल गाड़ी के अंदर चलते हैं. तो गाइस, यहाँ से करते हैं गाड़ी के अंदर इंग्रेस. अगर मुझे इंग्रेस करना है, तो इस तरीके से जो है वो स्टेपर का इस्तेमाल करना पड़ेगा. थार की बैजिंग जो है वो यहाँ पर दी गई है, काफ़ी अच्छी चीज़ है. मेटल प्लेट यूज़ किया गया है, ये ना केवल पेंट को रिमूव होने से बचाएगा, बट एक अच्छा शोकेस भी देगा, अच्छी प्रेजेंस देगा एक्चुअली. और आप यहाँ पर पहले विंडो पैनल की तरफ नज़र डाल लीजिए. प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी हार्ड है. ORVM के कंट्रोल्स यहाँ दिए गए हैं. ये जो है डोर ओपनर यहाँ पर दिया गया है. और थार की बैजिंग दी गई है, जो कि सिल्वर कलर के ट्रीटमेंट के साथ दी गई है. हैंडल बार यहाँ दिया गया है, और हल्का सा सॉफ्ट टच मटेरियल जो आपको लगेगा, बट एक्चुअल में है नहीं. नर्लिंग की गई है ताकि स्क्रैचेस वगैरह जो है ज़्यादा ना लगे. बॉटल होल्डर यहाँ दिया गया है, थोड़ा सामान वगैरह आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं. एक मज़े की बात आपको ये बताता हूँ कि इसका जो इंजन बे का एक्सेस है ना, वो यहाँ पर मार्क किया गया है. तो अगर आप ढंग से नहीं उसे ढूंढोगे, तो वो मिलेगा नहीं आपको. समझ में नहीं आएगा कि कौन सा लीवर आपको क्या खींचना है. तो इस मार्किंग का ध्यान रखना, और यहाँ पर आपको जो है वो इसका इंजन बे का लीवर मिल जाएगा. यहाँ पर कंट्रोल्स दिए गए हैं, जिनमें से ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, और ये कुछ बटन्स दिए गए हैं सर्विस इंटरवल वगैरह के, जिनमें से हेडलाइट लेवलर भी एक है. AC वेंट्स जो हैं वो सर्कुलर दिए गए हैं. चारों ही इसके AC वेंट जो है वो सर्कुलर है. कार्बन फाइबर की फिनिशिंग दी गई है ऊपर, ये रियल कार्बन फाइबर ऑब्वियसली नहीं है. और यहाँ पे जो है वो पियानो फिनिशिंग दी गई है सिल्वरिश ट्रीटमेंट के साथ में. काफ़ी अच्छा टच दिया गया है. मैं पहले की फॉब निकाल के चाबी लगाता हूँ इसके अंदर. देखो, यहाँ पर इल्यूमिनेशन दी गई है, ताकि आपसे गलती ना हो अगर रात में जो है वो आप ऐसी जगह खड़े हुए हो कि भाई लाइट वगैरह नहीं है, तो यहाँ से आपसे गलती नहीं होगी. अब देखो, गाड़ी को जब मैं स्टार्ट करूँगा ना गाइस, तो क्या होगा, गाड़ी पहले हिलेगी, तब एक सर्टेन RPM पर जब तक नहीं पहुँच जाती, तब तक उसमें जर्क्स आएंगे, और उसके बाद वो जर्क जो है वो बंद हो जाएंगे. ये ऑब्वियसली जब आप बंद करोगे तब भी होगा. तो देखिएगा, अब वो उसने सर्टेन RPM अचीव कर लिए, उसके बाद जो है वो यहाँ पर गाड़ी, अब देखो जब मैं बंद करूँगा ना तब भी यही होगा, तो गाड़ी हिलेगी. ठीक है, ये हब बुलेरो मार्शल वगैरह गाड़ियाँ आती थी, उनमें अक्सर देखा करते थे. अब मैं आपको यहाँ पर जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाता हूँ. तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देखिएगा, जैसे मैं की फॉब लगाऊंगा, ये वेलकम टोन मुझे देगा.
और ये देखिए थार जो है वो काफ़ी हैंग होता है, जब ये थार लिखा हुआ आता है ना इस पर काफ़ी हैंग होता है वो, ऐसा लगता है कि देखिए दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ। अब थार पे ज़रा नज़र डालना, जो थार की बैजिंग है उस पर ज़रा नज़र डालना। ये देखिए ऐसा लगता है कि हैंग हो गया है बीच में, लेकिन काफ़ी अच्छी अपील दी गई है। छोटे जो हैं वो उसके डायल्स दिए गए हैं, लेफ्ट साइड में जो है वो आपको आरपीएम मीटर नज़र आएगा, राइट साइड में स्पीडोमीटर, बीच में देखिए ये जो है वो टायर की डायरेक्शन आपको बताई गई है। अगर मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ तो ये मुझे टायर डायरेक्शन बताएगी, कौन से डायरेक्शन में एक्चुअली टायर है अभी फ़िलहाल, कौन से एंगल पर है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। यहीं पर आपको ऑडोमीटर वगैरह, अगर इसमें इस टीएफटी कलर टीएफटी की बात करूँ ना तो इसकी जो इसके अंदर ग्रीनीनेस अभी भी है, मतलब एकदम क्लीन है, सच नहीं है कि आपको ये लगेगा कि इसकी टीएफटी काफ़ी प्रीमियम लगे, नहीं, कलरफुल है नो डाउट, बट उसके अंदर ग्रेन्स अभी भी हैं। तो पिक्सल जो हैं वो एक्चुअली रिजोल्यूशन जिन्हें हम लोग कहते हैं वो एक्चुअली प्रॉपर नहीं है, बट ये ज़रूर बताती कि कौन सा दरवाज़ा आपका खुला हुआ है। ये चीज़ काफ़ी अच्छी चीज़ इसमें मुझे लगी, बाकी तो सब चीज़ें नॉर्मल ही है। थोड़ा सा अब मैं आपको बता देता हूँ प्लास्टिक क्वालिटी के बारे में। गाइस प्लास्टिक क्वालिटी को मैं यहाँ पर 8/10 दूंगा, और प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी हार्ड यूज़ की गई है। स्टेयरिंग व्हील भी जो है वो आप देखोगे बहुत सारी गाड़ियों में महिंद्रा ऑलरेडी स्टेयरिंग व्हील को यूज़ करता है, बट यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं जो पुराने वाली महिंद्रा थार में जो है वो मिसिंग थे। यहाँ पर भी आप सिल्वर ट्रीटमेंट देखोगे, महिंद्रा की बैजिंग देखोगे, थंब कंटूर देखोगे, ये कहीं किसी भी वे में मेरे पैरों से जो है वो टकराता तो नहीं है स्टेयरिंग, बट ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकलिटी की। देखो प्रैक्टिकलिटी को मैं इस गाड़ी को 6/10 दूंगा, क्योंकि कुछ भी चीज़ें जो है वो एक्चुअली अपने प्लेस पर नहीं है। यहाँ पर आपको ज़्यादा सामान स्टोर वगैरह नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर हेडरूम की भी बात करूँ तो काफ़ी अच्छा खासा मुझे हेडरूम मिल जाता है। अंडर थाई सपोर्ट की ज़रूर जो है वो कमी है, मैं 5'10" हूँ तो मेरे लिए प्रॉपर अंडर थाई सपोर्ट नहीं है। सीट जो है वो इसकी छोटी है, 5'4" से लेके 5'8" के लोगों को मुझे नहीं लगता कोई मशक्कत यहाँ पर अंडर थाई सपोर्ट के मामले में एटलीस्ट होनी चाहिए। अगर मैं इसके पेडल्स के बारे में बात करूँ तो अच्छा खासा डिस्टेंस इन सभी के बीच में जो है वो पेडल्स में दिया गया है, बट यहाँ पर जो है आप देखोगे कि क्लच प्ले बहुत ज़्यादा है, तो ये क्लच प्ले जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिया गया है, लेकिन क्लच जो है काफ़ी सॉफ्ट भी है। यहाँ पर मेरा पैर जो है वो यहाँ पर स्टक होता है, जब मैं इसको ड्राइव कर रहा था तो मेरे पास बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी अपने पैर की, लेग की मैं एक्चुअली बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी। यहाँ पे लाइट्स के कंट्रोल्स दिए गए हैं, लेफ्ट साइड में जो है वो वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं, तो कुछ इस तरीके का इसका केबिन है। आपको थोड़ा इस तरफ से दिखा देता हूँ कि क्यों मैं ऐसा कह रहा था कि प्रैक्टिकल एक्चुअल में नहीं है, प्राइमरी कार के तरीके से नहीं यूज़ कर सकता। तो गाइस मैं यही कह रहा था कि प्रैक्टिकलिटी में एक्चुअली में ही अव्वल नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पेस यहाँ पर भी नहीं है कि आप अपना कुछ सामान ही रख सको। अगर आप कुछ रखने की कोशिश भी करोगे तो वो मोमेंट की वजह से या बॉडी रोल की वजह से नीचे गिर जाएगा। आपके पास में ग्रैब हैंडल ज़रूर यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर आप देखोगे महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की जो है वो बैजिंग दी गई है, ये काफ़ी अच्छी है। सीरियल नंबर जो है वो यहाँ पर दिया गया है, मेड इन इंडिया विद प्राइड ऐसा कुछ है, नीचे भी सीनरी दी गई, तो काफ़ी अच्छी प्लेटिंग है जो ऑफ रोडिंग को एक्चुअली में दर्शा रही है। अगर मैं थोड़ा नीचे भी लेके चलूँ ना तो यहाँ पर जो है वो थार की छोटी सी बैजिंग दी गई है जो कि कूल है, और इसको माउंटेनियस स्ट्रक्चर दिया गया है, स्पीकर का सेट है तो माउंटेनियस स्ट्रक्चर दिया गया कि थार इसके ऊपर से जा रही है। अगर मैं इसके ग्लव बॉक्स की बात करूँ तो बहुत ही छोटा ग्लव बॉक्स है, शायद आप इसमें कुछ रख भी ना पाओ। थोड़ा बहुत सामान आप यहाँ पर एक्चुअली रख सकते हो, 12 वोल्ट का DC सप्लाई हो गया, 2 USB चार्जर्स हो गए, या फिर ऑक्स केबल जो है वो आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ में भी गाइज नहीं आती है, तो डिफरेंट डिफरेंट मोड्स एक्चुअली यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो आप इनको एक्सेस यहाँ से कर सकते हैं, और इनफैक्ट डिफॉगर यूनिट्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कार्बन फाइबर की फिनिशिंग दी गई है। ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसका टच रिस्पॉन्स मुझे लिटरली काफ़ी अमेजिंग लगा गाइस, तो मैं विद इन अ टच जो है वो चीज़ों को यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे कि ये हो गया AM पे मैं अभी चला रहा हूँ, तो बेटर है कि मैं पीछे जाऊँ अभी, और इसको होम पे जाके एडवेंचर स्टेटस स्टेटस यहाँ पर देखूँ तो पावर एंड टॉक ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ऑफ रोडिंग पे अगर मैं इसको लेके जाऊँ तो ये कुछ इस तरीके के ऑफ रोडिंग के अलग अलग मोड्स यहाँ पर एक्चुअली दिए गए हैं। ऑन रोड पे अगर मैं लेके जाऊँ तो यहाँ पर आपको जो है वो स्पीडोमीटर देखने को नज़र आएगा, कंपास वगैरह दिया गया है यहाँ पर, जी मॉनिटर दिया गया है यानी कि एक्सेलरेशन कितना है गाड़ी का, उन सब चीज़ों को दिया गया है। आप चाहो तो इनको शेयर भी कर सकते हो अपने सोशल मीडिया साइट पर। एंड्रॉयड ऑटो आपको मिलता है, एप्पल कारप्ले आपको यहाँ पर मिलता है। टच रिस्पॉन्स लिटरली काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, बट स्टिल देर इज़ सम काइंड ऑफ लैग अगर मैं एक्सेस करना चाहता हूँ।
थोड़ा सा डिले अभी भी करता है, कार इन्फो मुझे चाहिए, तो मैंने दबाया। टायट्रॉनिक्स यानी कि TPMS एडवेंचर कनेक्ट हो गया, यहाँ पे इको सेंस हो गई कि आप कैसी गाड़ी चला रहे हो, अलर्ट्स वगैरह हो गए, DRL वगैरह हो गए, तो ये आप यहाँ से ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। सेट डे टाइम रनिंग लैंप ऑन, अगर आप ऑफ करना चाहते हो तो वो ऑफ भी हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से जो है वो इसकी सेटिंग्स वगैरह दी गई। बट हाँ, ये अब थोड़ा सा एडवांस लगता है, इम्प्रूव लगता है। ये बटन्स भी जो है वो काफ़ी हद तक आपको काम या हेल्प करेंगे अपनी गाड़ी के बारे में जानने के लिए। डिस्प्ले मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। नीचे अगर आप देखोगे तो ये बटन्स काफ़ी कूल लगते हैं, जिनमें से ये हैजार्ड लाइट हो गए, या फिर आप देखोगे कि अगर आप चाहते हैं एयर बैग ऑफ कर लें, यहाँ पर ऑन की बैजिंग है, सीट बेल्ट की यहाँ पर बैजिंग दी गई है। तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पर एक्चुअल में दिए गए हैं। गियर लीवर आप देखोगे 6-speed गियर लीवर यहाँ पर है, क्रोम फिनिशिंग के साथ में, एंड ये 2H 4H एंड 4L डिफरेंट मोड्स है ऑफ रोडिंग के, प्रेस करके आप इनको एक्सेस कर सकते हो। ये ऑटोड नहीं है, जैसे कि आप एंडेवर या फॉर्च्यूनर वगैरह में देखते हो कि ऑटोमेटिक रहते हैं, उनमें गियर लीवर की ज़रूरत नहीं पड़ती। विंडो के कंट्रोल्स यहाँ पर, दो ग्लास होल्डर यहाँ पर दिए गए हैं, और एक यहाँ पर जो है आपको हैंड ब्रेक मिलेगा या पार्किंग ब्रेक मिलेगा। अब थोड़ा सा पोस्चर के बारे में गाइस बात कर लेता हूँ। ये सीट जो है वो है तो कंफर्टेबल, नो डाउट, उनमें कोई मुझे समस्या नहीं आ रही। लंबर सपोर्ट के साथ में आती है, यानी कि 8-way मैनुअली एडजस्टेबल है ये। हेड रिस्ट्रेंट्स की पोजीशन जो है वो भी काफ़ी सही यहाँ पर दी गई है, तो उसमें भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे हेड रूम भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है, बस समस्या ये है कि इनके अंदर था सपोर्ट की लिटरली काफ़ी कमी है। और यहाँ पर भी आप देखोगे प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, स्क्रू वगैरह दिए गए हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब थोड़ा सा मैं पीछे लेके चलता हूँ आपको और पीछे दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ें। एक ट्रिक यहाँ पर ये है कि जब भी आपको पीछे इंग्रेस करना है ना, तो आपको ड्राइवर साइड से एक्सेस करना ही नहीं है, आपको हमेशा पैसेंजर साइड से करना है। और पैसेंजर साइड पर यहाँ पर एक हुक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हुक आपको जो है वो एक्सेस करना पड़ेगा, और इसका मोमेंटम इस तरीके से है कि ये ऐसे होते हुए पूरी सीट ऐसे होते हुए जाएगी अगर मैं इस लीवर को यहाँ से कंट्रोल करता हूँ। तो देखिए इसका मूवमेंट देखिए आप, कुछ ऐसे है कि ये पीछे की तरफ से स्पेस बनाता हुआ जा रहा है। अगर आप ड्राइवर साइड से इंग्रेस करोगे तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे। तो मैं यहाँ पे इंग्रेस कर लेता हूँ, और यहाँ से जो है वो ड्राइवर सीट पहले पीछे कर लेता हूँ जितने पे मैं बैठता था। तो गाइस यहाँ पर जो है मैं फिलहाल आ गया हूँ, और लाइट यहाँ से ऑन कर देता हूँ ताकि आप तक भी चीज़ें जो है वो पहुँचती रहें। देखो गाइज यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, लेग रूम तो आपको अच्छा खासा मिलता है, बट एक्चुअली आप अपने पैर फैलाकर बैठ नहीं सकते, क्योंकि आगे वाला सीट का जो ट्रैवल है ना, जिसके ऊपर वो जो रेल है जिसके ऊपर वो ट्रैवल करती है, वो मेरे फीट पे टच हो रहा है, तो मैं चाहकर भी उसे आगे रख नहीं सकता अपने पैरों को। और यहाँ पर राइट साइड में जो है वो स्पेसिंग दी गई है टायर की, पीछे वाला जो टायर है, जो इसका व्हील बेस है वो काफ़ी छोटा है, तो उसकी वजह से जो इसके टायर की स्पेसिंग है, जो एक्चुअल में ट्रेवल बनाया गया है, वो यहीं पर बनाया गया है। तो आप पीछे वाला पैसेंजर जो है वो इतना कंफर्टेबली यहाँ पर बैठ नहीं सकता। हालांकि हेडरूम बहुत अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छा है हेडरूम यहाँ पर, और हेड रिस्ट्रेंट्स भी जो है वो काफ़ी सही पोजिशनिंग पर दी गई है। अगर मैं राइट साइड की बात करूँ तो यहाँ पर भी जो है वो आपको व्हील आर्च देखने को नज़र आएगा, हालांकि ब्लैक कलर से जो है वो कवर्ड है। इस तरफ भी यहाँ पर भी प्लेटिंग दी गई है। अगर आप देखोगे तो ऊपर जो है वो स्पीकर एंड ट्विटर के सेट्स दिए गए हैं, ये सराउंड क्वालिटी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा आगे और पीछे। और एक बार दिया गया है, ये बार अगर आप देखोगे तो उसके ऊपर ग्रैब हैंडल दिया गया है, और ये रबर के साथ में ग्रैब हैंडल दिया गया है, ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर भी प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, तो ये काफ़ी अच्छा पार्ट है। हालांकि ये 50:50 के रेशियो में स्पीड सीट जो है वो स्प्लिट हो जाती है। अगर मुझे ये रिक्लाइन भी करनी है तो यहाँ पर जो है आप इस तरफ से देख सकते हो, यहाँ पर एक हुक दिया गया है, ये भी एक्चुअली इस तरीके से आप रिक्लाइन कर सकते हो या डाल सकते हो नीचे, अगर आपको ये सीट जो है वो आगे करनी है। आप इनको रिक्लाइन और इनक्लाइन भी इसी हिसाब से कर सकते हैं गाइज यहाँ पर। तो मेरे को अगर आगे करनी है या मुझे पीछे करनी है तो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ से कर सकता हूँ। 3-pointed ही सीट बेल्ट गाइज यहाँ पर भी देखने को आपको नज़र आने वाली है। तो ये कुछ इस तरीके की 3-pointed सीट बेल्ट यहाँ आप देखोगे। तो ओवरऑल अगर अंदर की स्पेस की बात करूँ तो आप बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स इसमें नहीं बैठ सकते हो गाइज। ये अभी भी शायद प्राइमरी कार, रेगुलर प्राइमरी कार इसको कहना ज़रूर मैं कहूँगा कि रेगुलर प्राइमरी कार ये अभी भी नहीं हो पाएगी। हालाँकि
बहुत फीचर रिच है, बहुत अपडेटेड है, बहुत सारे ऐसे फीचर्स के अंदर आ गए हैं जो रेगुलर कार के अंदर आते हैं, जो आप सेडान्स, हैचबैक्स या रेगुलर इवन क्रॉसओवर्स आप देखते हो, एसयूवीज देखते हो, वो सारे फीचर्स इसके अंदर आ गए हैं। बट स्टिल बहुत जगह जो है वो कमियां हैं, जैसे कि आप प्रैक्टिकलिटी में देखो, बूट स्पेस की यहाँ पर आप कमी देखोगे। एक बहुत बेहतरीन ऑफ रोडर ये ज़रूर है, बट एक रेगुलर कार मेरे ख्याल में, या प्राइमरी कार इसको अभी भी कहना, परफेक्ट प्राइमरी कार मुश्किल होगा मेरे लिए। और जिस वजह से, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी कहीं ना कहीं एक जो है वो रेगुलर कार में मुद्दा बन जाता है। आप 15-20 किलोमीटर अगर इससे चल रहे हैं रोजाना, तो कोई समस्या आपके लिए होगी नहीं। बट आपके साथ में दो जने या तीन जने अगर चल रहे हैं, चार जने आप लोग जो है वो 50-100 किलोमीटर रोज कवर कर रहे हो, उस केस में ये थोड़ा ट्रबलिंग हो जाएगी। इसकी ड्राइव भी मैंने ऑलरेडी करी है, तो जिस हिसाब से ड्राइव है वो हल्की सी बॉडी रोल उसमें समस्या है, बॉडी रोल की प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑब्वियसली एक ऑफ रोडर ज़्यादा बेहतरीन ऑफ रोडर है और मोनोकॉक चेसी के ऊपर नहीं बनी हुई, जो कि एक्चुअली ऑब्वियसली, और जो कि मोस्ट ऑफ द एसयूवीज नहीं बनी हुई होती हैं, उस वजह से भी आप देखोगे कि बॉडी रोल होने की वजह से थकान बहुत जल्दी हो जाती है, या ऐसे ड्राइविंग डायनामिक्स आपको नहीं मिलते, वो कंट्रोल्स और वो पोस्चर आपको नहीं मिल पाता है। तो अगर आप हाईवेज़ पे आपकी बहुत ज़्यादा रनिंग है, तो ये रेगुलर हाईवे कार नहीं हो सकती, रेगुलर सिटी कार एक्चुअली में नहीं हो सकती कि आपको रोज़ ही 50-60 किलोमीटर चलना है। बट ऑब्वियसली सेकेंडरी कार आपको अगर चलनी है, एडवेंचरस एक्टिविटीज़, ट्रैवलिंग का आपका काम है, अमेजिंग परफॉर्मेंस, अमेजिंग जॉब डन बाय महिंद्रा, इस मामले में मैं हेड्स ऑफ टू महिंद्रा यहाँ पर फिलहाल कहने वाला हूँ। व्यू की बात करें तो फ्रंट का जो व्यू है, आप फ्रंट जब गाड़ी को चलाते हो तो वो काफ़ी अच्छा मिलता है, बट रियर का जो व्यू है ना, वो आपको नहीं मिल पाता है सैडली, बिकॉज ऑफ द स्मॉल ORVM, बहुत छोटा सा जो है वो ORVM यहाँ पर दिया गया है, जिसकी वजह से पीछे का व्यू जो है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड ही आपको मिलेगा। फिलहाल कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं गाइज। गाइज हम लोगों ने एक चीज़ मिस कर दी, वो है इसका इंजन बे। इंजन बे के भी दर्शन मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे हैं। एक्सेस अंदर से ही होगा, पिछली वाली थार की तरह नहीं है, और यहाँ से लेकिन आपको कंट्रोल्स दिए गए ताकि आप बूट को एक्सेस कर सको। और ये थोड़े से ऑफ रोडिंग के जो एडवेंचरस कुछ स्पॉट्स है ना, वो पुराने वाले थार में भी दिया गया था इस तरीके का, ये थोड़ा और मॉडर्न हो गया है, थोड़ा सा और डिज़ाइन इसका अच्छा हो गया। काफ़ी हैवी जो है वो इसका हुड दिया गया है, तो यहाँ पर मैं इसको पहले लगा देता हूँ और बात कर लेते हैं इस इंजन की। देखो इस इंजन की ब्रांडिंग ऐसा कुछ नहीं दी हुई, यहाँ पर बस लिखा हुआ है कि कवर अप फॉर इंजन ऑयल फिलिंग्स, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं लिखा हुआ कि एमहॉक इंजन है या एम हॉक 130 इंजन है कुछ उस तरीके का, ना ही किसी प्रकार की इंसुलेशन यहाँ पर दी गई है, इस चीज़ का भी ध्यान नहीं रखा गया है। हालांकि काफ़ी बड़ा सा इंजन है, ये टर्बो चार्जर इस तरफ जो है वो दिया गया है, इंटरकूलर यहाँ पर इस तरफ जो है वो मेंशन किया गया है, बड़ा सा एयर फिल्टर दिया गया है, कोई भी स्नॉर्कल ऐसा सच नहीं आता इसमें जैसे पुराने वाली थार में जो है वो लोग लगवा लेते थे। तो ये जो इंजन है गाइज, इसके बारे में बात कर लेता हूँ, 2.2 लीटर का इंजन है, एक टॉर्क कन्वर्टर यूनिट के साथ में भी आता है, और इस इंजन की खास बात यह है कि 130 BHP प्रोड्यूस करता है, 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क, लेकिन जो इसका पेट्रोल इंजन है वो 150 BHP प्रोड्यूस करता है, सेम 300 न्यूटन मीटर टॉर्क। डीजल में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ज़्यादा टॉर्क ही ये इंजन होगा, बट उतना टॉर्क ही नहीं है, लेकिन जब आप इसको चलाते हो तो आपको टॉर्क की कमी महसूस ऐसा सच नहीं होती, कि 300 ही है, 300 आप रेगुलर कार्स में भी देखते हो, इनफैक्ट मरेजो जैसी गाड़ियों में तो 350 न्यूटन मीटर टॉर्क आता है, 300 आप जो है वो डीजल में XUV300 जैसी गाड़ियों में भी देखते हो। हालांकि ये बड़ा इंजन है, ज़्यादा पावरफुल भी है, बट स्टिल न्यूटन मीटर टॉर्क्स की अगर मैं केवल बात करूँ तो वो यहाँ पर थोड़ा सा कम है, बट रियल लाइफ में वो इतना महसूस एक्चुअल में नहीं होता, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी ड्रिवन द डीजल इंजन। पेट्रोल मुझे चलाना है, इनकेस आप लोग कोई भी मेरी वीडियो अगर देख रहे हो तो किसी ने अगर परचेज किया, आपके जानने वाले में पेट्रोल चलाने को मिल जाए मुझे, तो दैट वुड बी ग्रेट थिंग, मैं ज़रूर उसके पेट्रोल इंजन को यहाँ पर चलाना चाहूँगा। एनीवे फिलहाल जो है मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ इसको, और मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर AX एंड LX वेरियंट्स यहाँ पर आते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, मैं अपने अगले वाली स्लाइड में जो है वो यहाँ पर आपको शो कर देता हूँ कि कौन कौन से वेरियंट एक्चुअली किस किस फीचर्स के साथ में आता है। गाइस जरा बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो 9.80 लाख रुपीस में इसका बेस वेरिएंट जो AX का स्टैंडर्ड वेरिएंट है वो यहां पर आ रहा है 9.80 लाख रुपीस में, और टॉप ट्रिम जो है वो 13.55 लाख रुपीस में जा रहा है, जो ऑब्वियसली अगर मैं ऑन रोड की बात करूं तो 16.5 के आसपास जो है वो ऑन रोड जाएगा, डिपेंड करता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट, कौन सी स्टेट में
कितने RTO चार्जेस आप एक्चुअली पे कर रहे हो। बाकी जितने भी बीच के वेरिएंट्स हैं उनकी प्राइसिंग मैं यहाँ पर स्क्रीन पे मेंशन कर देता हूँ। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, और मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिटेल में बता दी है। बूट स्पेस की कमी हो गई या फिर अंदर इंटीरियर की स्पेस की कमी हो गई, वो फिलहाल मुझे जो है वो मेजर पॉइंट्स यहाँ पर लगते हैं। बट येस द लुक्स इट इज़ ऑफरिंग, द इंजन ऑप्शन इट इज़ हैविंग, द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इट इज़ शोकेसिंग, अमेजिंग भाई मज़ा आ गया गाड़ी को चलाने में। और फिलहाल तो ये एक फर्स्ट इंप्रेशन है मेरे जो मैं गाड़ी के आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। बट आने वाले दिनों में मैं इसका रिव्यू भी प्लान कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी शूट करने के लिए फिलहाल जा रहा हूँ। और इनकेस आपने जो है वो रिव्यू देखना है इस गाड़ी का, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। ये गाड़ी अगर आपको ख़रीदनी है तो मेरे ख्याल में एक अच्छी चॉइस आपके लिए रहेगी, एक बेटर डिसीजन रहेगा, आप इस गाड़ी के साथ में जा सकते हो। मेजर कंपटीशन की अगर मैं बात करूं तो जो कंपटीशन है वो गुरखा है, जो इससे काफ़ी आउटडेटेड है, पर वो आने वाले टाइम में रिलीज़ भी होने की, दिसंबर में उसको रिलॉन्च होना है VS6 वाली को, वो काफ़ी आउटडेटेड प्रोडक्ट फिर भी रहेगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसको यू नो ऑटो एक्सपो में कवर किया है। वो इसके सामने मुझे नहीं लगता कि एक इतना अपडेटेड वर्जन आएगा। इनफैक्ट जो उसके इंजन ऑप्शंस हैं वो भी इसके सामने काफ़ी फीके पड़ते हैं। पेट्रोल में तो वो आती नहीं है, डीजल में वो आएगी, और उसमें भी उसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको ऑफर नहीं किया जाएगा। एक प्रॉपर ऑफ रोडर आप खरीद रहे हो, एडवेंचरस एक्टिविटी करते हो, रेगुलर ट्रैवलिंग रहती है आपकी, मेरे ख्याल में ये गाड़ी आपको कभी भी निराश नहीं करने वाली है। और हाईवे पे रेगुलर हाईवे पे उतरते हो, थोड़ा आपको जो है वो सेकेंडरी थॉट इस गाड़ी के लिए देना पड़ेगा। तो गाइज मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, ड्राइव सेफ गाइज।